जी, यहाँ पर न्यूयॉर्क में हालात आप देख सकते हैं काफी खराब हैं। आज के अगर आंकड़े देखिए तो हम यहाँ जो आंकड़े हैं वो काफी लाख पार कर गए हैं। 1,61,000 आंकड़े हैं यहाँ पर पूरे यूएस में। न्यूयॉर्क सिटी जो है, इनफैक्ट ये मैं कहूँ कि पूरे वर्ल्ड में ही टॉप पे चल रहा है। और उस समय यहाँ चिकित्सा संसाधनों की काफी कमी नजर आ रही है, उसको देखते हुए यहाँ इनफैक्ट टेस्टिंग भी नहीं हो रही है कोरोना पॉजिटिव लोग जो हैं, और बहुत ही स्थिति खराब है। उसमें हम लोगों ने चिकित्सा सुविधा हमें प्रॉपर नहीं मिल पाई क्योंकि यहाँ बुजुर्ग लोगों को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। तो उसमें हमने अपने घरेलू नुस्खे अपनाए, अपने भारतीय जितने भी आयुर्वेद में जितने घरेलू नुस्खे हैं उनको हमने फॉलो किया, और जो थोड़ी बहुत मेडिसिन थी, इंडिया की मेडिसिन थी, इंडियन चिकित्सक ने हमारा बहुत साथ दिया, और उन्हीं की बदौलत आज हम जिंदा हैं और आपसे बात करता हूँ। सुरभि, किस तरीके से डॉक्टर आपने इस पूरे जंग को लड़ा, फतह हासिल की, कितना वक्त लगा? खासकर मैं इसलिए भी समझना चाहूंगी क्योंकि आप देखिए हमारे हिंदुस्तान में कई लोग ऐसे हैं, प्रदेश में कई लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि कुछ सिम्टम्स उनके मिलते हैं बट फिर भी वो बाहर आना नहीं चाहते, डॉक्टर को दिखाना नहीं चाहते, उनके अंदर एक डर है कि कहीं क्वारंटाइन न कर दिया जाए, आइसोलेट न कर दिया जाए। क्या ये डर सही है या फिर उन लोगों को बाहर आना चाहिए? आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको क्वारंटीन होने से डर लग रहा है तो इसमें कोई डर की बात नहीं है, क्योंकि हम भी हमारी स्थिति और न्यूयॉर्क की, जिस दिन हमें पता चला था न्यूयॉर्क में पहला पॉजिटिव केस आया था उसी दिन हमने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया था। बट दुर्भाग्यवश पता नहीं हमें कैसे कोरोना संक्रमित हम हो गए, मैं और मेरे हस्बैंड। तो जब जैसे ही हमें पता चला कि हम कोरोना पॉजिटिव हैं वैसे ही हमने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया, आइसोलेट कर लिया। ना ही हम लोगों से मिलने जाते थे ना ही लोग हमसे मिलने आते थे। इनफैक्ट हम हाई रेंज बिल्डिंग में रहते हैं, 150 फ्लैट की बिल्डिंग है, 15 माले की बिल्डिंग है, उसमें हम रहते हैं। ना ही हमने उसमें कॉमन स्पेस यूज किया, हम नीचे भी नहीं जाते थे, हमने गेट के बाहर भी शक्ल नहीं देखी कि कैसे लोग नजर आते हैं। हमने अपने आप को बिल्कुल समाज से पृथक कर लिया था ताकि हम किसी और को संक्रमित ना कर सके। मेरा भारतवर्ष वासियों से यही अनुरोध है कि अगर उन्हें लग रहा है, उन्हें थोड़े से भी लक्षण नजर आ रहे हैं कि वो उन्हें सर्दी जुकाम भी है, तो वो खुद भी अपने इस चीज का बचाव करें और लोगों को भी इस और संक्रमित होने से बचें। हालात बिगड़ रहे हैं और भी बद से बदतर हो सकते हैं। मेरा यही अनुरोध है कि अगर उनको लग रहा है कि वो कोरोना संक्रमित है, पॉजिटिव है, तो वो अपने आप को आइसोलेट करें, क्वारंटीन करें। इसमें कोई शर्मनाक बात नहीं है, इससे यही है कि हम हमारे देश के भविष्य के लिए हम अपना हिस्सा जोड़ रहे हैं। जी तो मैं यही कहूंगी कि आप अपने आप को आइसोलेट और क्वारंटीन जरूर कर लीजिए। डॉक्टर सुरभि, क्या सिर्फ आइसोलेशन में खुद को रखना या क्वारंटीन करना ही बेहतर है या फिर इसके साथ साथ कुछ और उपचार जो आपने उस वक्त किए हों, कुछ और प्रिकॉशन जो आपने उस वक्त लिए हों, मैं चाहूंगी कि एक बार उनको भी आप साझा करें। जी, मैं ये कहूंगी कि अगर आपकी स्थिति आपकी कंट्रोल में है, अभी जैसे अगर हम भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में स्थिति अभी कंट्रोल में है, इतनी आउट ऑफ कंट्रोल। अगर न्यूयॉर्क शहर की बात करूं तो न्यूयॉर्क शहर में तो स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि यहाँ जब हमारी भारतीय दूतावास इंडियन एम्बेसी से बात हुई तो उन्होंने हमें इस बात के लिए आग्रह किया कि आप बिल्कुल भी हॉस्पिटल मत विजिट करिएगा क्योंकि हॉस्पिटल से संक्रमण आप लेके ही आएंगे। तो हम लोगों ने अवॉइड किया हॉस्पिटल जाना और हमारे लक्षण भी बहुत ज्यादा सीवियर नहीं थे। मैं भारत में भी लोगों से यही कहूंगी कि अगर उनको लग रहा है कि वो कंट्रोल में है तो वो घर रहे, अपने नुस्खे अपनाएं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ना कि बाहर जाएं लोगों में, समाज में और लोगों को संक्रमित करें। और घरेलू नुस्खों में बहुत सारे घरेलू नुस्खे हैं, हल्दी का भरपूर उपयोग करें, नमक का उपयोग करें, वाइटामिन सी के लिए नींबू का उपयोग करें, वाइटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो अगर कोरोना संक्रमण नहीं है तो भी अपनी इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए वाइटामिन सी का उपयोग जरूर करें। डॉक्टर सुरभि, सात समंदर पार बैठकर आप न्यूयॉर्क से ऑनलाइन भारत के लोगों को परामर्श दे रहे हैं, फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए वो तमाम ऐसे सोशल मीडिया आपको ने माध्यम बनाया जिसके जरिए आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मैं ये समझना चाहूंगी किस तरीके से आपका ये दौर गुजरा, कितना भयानक रहा, किन परिस्थितियों का आपने सामना किया, चूंकि आपके लिए वो वक्त कैसा रहा होगा अंदाजा लगाना मुश्किल है जब आपको और आपके हस्बैंड दोनों को कोरोना हो गया होगा। बहुत ही दुख, मतलब बहुत ही कठिनाइयों का दौर था वो। सबसे पहले मैं संक्रमित हुई थी,
तो जैसे ही संक्रमण का मुझे पता चला, मुझे शक हुआ, मुझे जिस रात बुखार आया, हम लोग हॉस्पिटल गए, तो उसी दिन से मतलब स्थिति बिगड़ती ही चली गई। और उसी के 5-7 दिन बाद मेरे हस्बैंड भी संक्रमित हो गए थे। तो बहुत ही मुश्किल था, मतलब स्थिति ये थी कि बेड से उठ पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन हमने किसी तरीके से, एक भाग्यशाली हम इतना रहे कि मेरे और मेरे हस्बैंड के संक्रमण में 5 से 7 दिन का अंतराल था। तो जब मैं बीमार थी तो वो मुझे संभालते थे, और जब मैं बीमार वो बीमार हुए तो उन्हें मैंने संभाल लिया। अदरवाइज इतनी दूर, घर से दूर होना, मतलब हजारों किलोमीटर, हमें आप सही कह रहे हैं कि 7 समंदर पार हैं हम, और फ्लाइट भी बंद कर दी गई। अगर हम आना भी चाहें इंडिया, इस समय हमें लग रहा है कि हम इंडिया जाएं, अपने घर जाएं, अपने स्वदेश जाएं, तो उस समय भी हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत मजबूर महसूस कर रहे हैं कि हम अपने देश नहीं जा सकते हैं, कोई यहाँ रिश्तेदार नहीं है जिससे हम, जो हमारी सहायता कर सके। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुरभि बंसल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। आप सुन रहे थे डॉक्टर सुरभि बंसल को, जो कि न्यूयॉर्क से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई थी। उन्होंने उस दौर को साझा किया जब वो एक कोरोना जैसे दौर से गुजरी, उन्होंने इससे फाइट किया, वो आज स्वस्थ हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं। जी राजस्थान पर जुड़ के भी उन्होंने लोगों को जागरूक किया, वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं इस वक्त न्यूयॉर्क में ही। और उन्होंने सबसे अच्छी बात ये कही कि कोशिश ये करिए कि जितना हो सके आप खुद को घर में रखें, आइसोलेशन में रखें, लोगों से कम मिलें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। ये बहुत जरूरी है कि इस वक्त इन तमाम चीजों की आप लोग पालन करें।